जय हिंद स्टूडेंट्स, आज M4 R5 यानी IoT का पेपर था और पेपर काफी इंटरेस्टिंग रहा। थ्योरेटिकल पोर्शन तो काफी कुछ सेम मैच कर गया, बस एक ही क्वेश्चन जिसको मेरे को डर था कि ब्लूटूथ वाला ना दे दें ये सेंसर्स, और वही आ गया। खैर, आज का पेपर कैसा था, किस तरह से कौन कौन से आंसर्स रहे, आज हम लोग उसको मैच करेंगे। प्लस आज के बाद आप लोगों के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल पेंडिंग था उसकी तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं। यूपी और सभी स्टेट्स में प्रैक्टिकल के एग्जाम्स शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं ऑलमोस्ट 2 तारीख के बाद से। यदि प्रैक्टिकल में आपको अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है और फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के आपके क्वेश्चन पेपर भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते ओरिजिनल, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन है ICE Academy, इसके प्ले स्टोर में से डाउनलोड करने के बाद, और एप्पल स्टोर किसी में भी मिल जाएगा। इसके स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और प्रैक्टिकल के नाम से सर्च कर लीजिएगा और आप लोगों को ये प्रैक्टिकल का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप लोग इसे ड्रैग करें तो हमने चारों पेपर्स के, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो हमने उसके ऑलरेडी छाट कर इसमें वीडियो इकट्ठे कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब टाइम कम है तो आप जनवरी और सेप्टेम्बर इनके जरूर पिछले पेपर्स जरूर सॉल्व कर लीजिए, जो कि ये हैं। तो अगर आप लोग चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको पिछले सारे पेपर्स मिल जाएंगे और ये पेपर्स ओरिजिनल पेपर्स हैं जो अभी पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। आपको बता दें, आप लोगों के प्रैक्टिकल्स अब सिर्फ R5 में होगा, R4 के बच्चों को भी अब R5 में ही देना है। इसके वीडियोज और इसके प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे, तो इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स लगा हुआ है तो। चलिए आज के पेपर पे आते हैं। आज के पेपर्स में क्वेश्चंस, अगर आपने हमारा गेस्ट पेपर लिया है तो आज का गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हम लोगों के गेस्ट पेपर्स में थे, लेकिन वो सेम ऐसे ना हो के कोई फिल इन द ब्लैंक्स में शिफ्ट हो गया। जैसे मैं अभी आपको बीच में दिखाता हूं कि कुछ पेपर्स में क्वेश्चंस हम लोगों ने MCQ के फॉर्मेट में दिए थे और वो मैच द फॉलोइंग में आ गए। तो जिन भी बच्चों ने हमारा गेस्ट पेपर और विथ उसके डिटेल्स पढ़े होंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेटेड, हमने MCQ के MQTT के ऊपर एक अच्छा खासा पूरा प्रोटोकॉल थ्योरेटिकल बनाया हुआ था जिसमें कि ये सारी डिटेल्स पूरी इंफॉर्मेशन थी। इसका सही जवाब ए ही है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में था कि विच डिवाइस मेजर गैसेस और लिक्विड, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि गैसेस और लिक्विड को मेजर करता है, और ये है प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर गेज होता है जो आजकल के बहुत सारे सिलेंडर्स वगैरह में भी लगा रहता है, जो कि पता करता है कि आपके उस सिलेंडर में कितने गैस है। अगर इस बीच आपने कोविड में देखा होगा गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, उन सब पे लगा मिलता है। 1.3 पे आते हैं बच्चों। 1.3 में है ESP8266, ये क्या है, तो ये वाईफाई मॉड्यूल है। अगर आप अमेजोन पे डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वाईफाई मॉड्यूल जो एड्रिनो से लगा के कनेक्ट करने में मदद करता है। 1.4 पे आते हैं। 1.4 में कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल कनेक्टेड एट टू पॉइंट्स, सही जवाब है इसका थर्मोकपल। थर्मोकपल दो अलग अलग डिवाइस या मेटल्स को आपस में जोड़कर एक जगह पे करने का काम करता है थर्मोकपल। अधिकतर जब कभी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपको सोल्डर करना होता है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कॉपर का है और एक जिंक का है या फिर सिल्वर का है, तो आपको ये बहुत काम आएगा। 1.5 पे आइए। स्मार्टफोन कैन बी यूज इन IoT सेटअप विथ, इसका सही जवाब 4 है, 4 एप्लीकेशन कैटेगरीज। आगे बढ़ते हैं 1.6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट, इनमें से कौन सा नुकसानदेह है आपके IoT के लिए, तो जाहिर है कि वायरस हो, नेचुरल डिजास्टर मतलब कि जैसे आपदा आ जानी, स्पूफिंग करना, ये सभी कुछ, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। 1.7 पे आते हैं। 1.7 पे आप लोगों को मिल रहा है विच करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आ गया। देखिए एक ही क्वेश्चन इन्होंने दिया, आगे आपको सब्जेक्टिव में देखेंगे, तो विच करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व द फैसिलिटी द थिंग टू रिस्पॉन्स इन एन इंटेलिजेंस वे टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जब कभी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन फंसती है जिसमें कि आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, तो आपका कौन सी करेक्टरिस्टिक्स सामने उभर कर आती है, तो सही जवाब है आप लोगों का इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एसेट्स इन अ टिपिकल IoT सिस्टम, सही जवाब है नन ऑफ द, क्योंकि इनमें से कोई भी आप लोगों का एसेट्स नहीं है, नॉट एन एसेट्स लिखा है इसलिए कोई भी नहीं है, तो गलत है ये, तो नन ऑफ द अबव। 1.9 पे आते हैं। 1.9 में दिया गया है कम्युनिकेशन इन नॉन स्टॉप, कम्युनिकेशन जो है वाद विवाद, बातचीत, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है।
1.10 पे आइए, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, और इसमें है द कोर एलिमेंट इज ऑपरेटेड बाय, कोर एलिमेंट ऑपरेटेड बाय आईओटी सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स इजी है, कोई खास नहीं, एक एक करके देखते हैं। ट्रू फॉल्स में अगर आप लोगों ने, जैसे ये SLA वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, RFID क्वेश्चन है, ये सारे हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक बड़े क्वेश्चन के रूप में बात की थी कि एड्रिनो आईओडी में या एड्रिनो आईडीई जो है, ये पूरा एक क्वेश्चन आता है जिसके अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करना था कि एड्रिनो आईडीई है क्या। तो आपको वो दो लूप्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सब समझाना था। खैर, आगे बढ़ते हैं 2.1। तो 2.1 में है द यूज ऑफ RFID इज अ प्रोडक्ट लॉजिस्टिक में रिलाइज ऑटोमेटिक एक्विजिशंस ऑफ ए लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, IoT इज नॉट अ पैराडिग्म दैट इन्वॉल्व प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट। IoT एक वर्तमान नहीं है, अच्छा एनवायरमेंट में नहीं है, नहीं है तो इसलिए लिख दिया गया है फॉल्स। SLA स्टैंड फॉर ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है, SLA का फुल फॉर्म है। MQTT प्रोटोकॉल, ये हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, अगर आप चेकआउट करते हैं तो MQTT प्रोटोकॉल GSM में यूज किया जाता है, गलत है, ये लाइट वेटेड होता है। अगला है हमारे पास बिल्ड एंड लूप, बिल्ड एंड लूप, लूप तो सही है, बिल्ड नहीं सही है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, आपके दो फंक्शंस होते हैं लेकिन बिल्ड नहीं होता। नेक्स्ट है आपका 2.6, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंक स्ट्रीम डेटा इज ए लाइव स्ट्रीमिंग, बिल्कुल सही है, लाइव स्ट्रीमिंग से ही हम लोग जितने भी लिंक डेटा है उनका आप रियलिस्टिक टाइमलाइन पर आप लोग अपना फीडबैक ले सकते हैं। 2.7 पे आते हैं, IoT इज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल डिवाइसेस, बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ओनली सेंडिंग वर्बल, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले से आ गया, इसमें लिखा है कि आप आपस में जो बात करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस है, ऐसा नहीं है, उसमें फीलिंग्स भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, इसीलिए फॉल्स है। 2.9 पे आते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द मैनेजर्स यूज ऑफ हिज और हर टाइम, नॉट लिख दिया है इसीलिए ये गलत हो गया, एक प्रभावी बातचीत करने के लिए टाइम का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये गलत है, टाइम तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इम्पैक्ट कैसे बैठेगा। 2.10 पे आते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, TCP/IP जो 4 लेवल का मॉडल होता है और OSI 7 लेयर का मॉडल होता है, ये हमारे गेस्ट पेपर पे भी अवेलेबल है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और ये सही है। नेक्स्ट बैठते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो आप लोग देखें, अगले क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग। 3.1 से शुरुआत करते हैं, IoT एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशंस क्या है, तो IoT की कई सारी एप्लीकेशन, IoT का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है हेल्थ के लिए, जो आजकल देखते हैं पेसमेकर वगैरह बना, ऑपरेशंस में बहुत सारे सेंसर्स यूज होते हैं, ये सब चीजें। 3.2 में IoT आर्किटेक्चर्स, तो IoT का आर्किटेक्चर्स में सेंसर प्रोटोकॉल्स ये सब का इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्चर का मतलब है एक पूरा का पूरा मिलाकर जो तैयार करने वाला है वो है आर्किटेक्चर। 3.3 इसमें दिया है Arduino IDLE जो है वो किस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब जो है वो थोड़ा सा नीचे ट्रैक करना पड़ेगा, एंड ये रहा। तो Arduino IDE एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप लोग सी और C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं। LCD क्या है, LCD एक प्रकार का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, 3.4 का हो गया B। 3.5 पे आते हैं, IoT सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी क्या है, ये है आपका सेफ गार्ड कनेक्टेड डिवाइसेस, IoT कनेक्टिंग मॉडल्स, IoT कनेक्टिंग मॉडल्स के अंतर्गत हमारे पास आ जाता है कनेक्टिंग मॉडल्स में K, डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड, डिवाइस टू गेटवे। IoT ecosystem, IoT ecosystem में हमारे पास IoT का नेटवर्क, गेटवे, ये सारी चीजें कंबाइन करके एक ecosystem, ये हमारा गेस्ट पेपर में भी था और लॉन्ग क्वेश्चन में भी था। IoT लेवल्स क्या है, तो इसमें तो सिंपल है, जिसने भी तुक्का लगाया होगा, लेवल 1, लेवल 2, दर दर पहले होता है एप्लीकेशन लेवल्स जिसमें लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, फिर सर्वर लेवल्स, इस तरीके से लेवल बाई लेवल IoT काम करता है। 3.9 पे आते हैं, सी लैंग्वेज एम्बर्ड है, किसमें एम्बर्ड है, सी लैंग्वेज हमारे माइक्रो कंट्रोलर चिप में पहले से इनबिल्ड है, तो इसीलिए इसका सही जवाब जी है। LDR इन IoT, LDR जो होता है IoT में क्या है, LDR बेसिकली एक लाइट डिपेंडेंट डिवाइस है, एक लाइट लोड यहां पे लिखा हुआ है, ये नहीं, ये वाला लीजिएगा LDR, लाइट डिपेंडेंट
डिवाइस लिख रखा है जबकि ये रजिस्टर होता है, लेकिन ठीक है यही चलेगा, डिवाइसेस नहीं होना चाहिए, ये प्रिंटिंग इन्होंने गलत कर रखी है, एलडीआर को ये नहीं कहते, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स हैं, लेकिन ठीक है यही माना जाएगा। इन्होंने लोड डिपेंडेंट यहाँ कर दिया तो लोड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आपका ये मिसप्रिंट है, ये नेलिक ने गलत किया, लेकिन अगर आप लोगों ने एल लगाया है तो एल को सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है मैच द फॉलोइंग 4.1 से शुरू करते हैं। एम्पावर आईओटी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, तो इसका सही जवाब है कनेक्टिंग। आज की डेट में बहुत सारे डिवाइसेस को आईओटी को जोड़ दिया जाए तो आज की डेट में एक एम्पावर्ड आईओटी बन जाएगा। सेकंड पे आइए, अगला है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें दिया आईओटी एज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस हैविंग डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड, तो इसका है हेट्रोजेनिक। नेक्स्ट है हमारे पास आईओटी डिवाइस आर नेचुरली वल्नरेबल टू, किसके लिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स। 4.4 पे आते हैं, डैश इन ए सेलुलर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव, कौन सा ऑप्शन एक्सपेंसिव है सेलुलर नेटवर्क्स में, तो सेलुलर यानी कि जो आपके फोन्स हैं इनमें जो सबसे महंगी चीज है जो आप लोगों को, नेटवर्क की बात हो रही है ध्यान रखिएगा, डिवाइसेस की बात नहीं हो रही है, तो नेटवर्क से हमारे पास बनता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडविड्थ कह लीजिए, क्योंकि बैंडविड्थ का ऑक्शन होता है और गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करती है सैटेलाइट के थ्रू, और ये बहुत महंगा होता है, बीच में 2D स्पेक्ट्रम घोटाला भी आपने सुना होगा, वो इसी से जुड़ा हुआ था। 4.5 पे आइए, डिवाइस डिटेक्ट मेटल बट अलोंग विथ इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट रेसिन लिक्विड्स, तो 4.5 पे आते हैं, इसका सही जवाब है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी। 4.6 पे आते हैं, 4.6 जो है हमारा जिस पर आपको मिल रहा है, गेटवे सॉफ्टवेयर शुड बी स्मार्ट एनफ टू हैंडल, इसका सही जवाब है आपका लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब समझते हैं, बिल्कुल जैसे फोन लॉगिंग होता है वैसे ही ये भी है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास सी है, सॉरी इसका जी नहीं सी। 4.7 पे आते हैं, 4.7 पर हमारे पास है ITS stand for, ITS क्या है, तो ITS का अगर आप देखें तो ITS का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो इसका 4.7 का हमारे पास है D। A request from client is basically made of, a request from client is basically made of, इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा method, और इसका सही जवाब है E। General purpose memory RAM होती है, और उसके बाद है dash is a microcontroller, ATmega है, और ये इसका, ये तो कॉमन है, ये तो पहले ही गेस पेपर का पहला सवाल ही यही था। तो बच्चों ये हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों के एटलीस्ट 20 तो इसमें आ ही जाने चाहिए, अगर उसमें 20 आ गए तो आपको इसमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल कितना इजी दे दिया है, द इंपैक्ट विल बी इंटरनेट, व्हाट इंपैक्ट विल बी, विल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत ही लंबे से आपको आराम से इसको 5 नंबर 4 नंबर बता सकते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आईओटी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हो गया, आप बड़े आराम से बताइए कि भैया इसमें मॉइस्चर वगैरह सेंसर लगा दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि खेत में कहाँ पे पानी कमी पड़ रही है, वेदर सेंसर है कहाँ पे बरसात ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से आपका जो फनल है वो ऑटोमेटिकली पानी की बौछार करने लगता है, गुणवत्ता मिट्टी की गुणवत्ता में हम पता कर सकते हैं, पोटेशियम वगैरह निकाल सकते, दुनिया भर की चीजें हमें पता है, सब बांध देंगे, अगर में होता तो यहां बहुत बांधू टाइप के हैं, यहां तो बहुत लंबे लंबे लपेट देते हैं, दिल्ली में भी हैं। एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी नेटवर्क, ये पूरा पूरा सेम क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर पे सेम लैंग्वेज में लिखा है, आईओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आप लोगों को बताना है, जो लेयर वाइज लेयर्स आपको बताया गया है, मेन पार्ट ऑफ आईओटी सिस्टम्स आपको बताना है, इसमें होता है आप लोगों का एक्चुएटर्स है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स है, और ये मैंने पूरा बनाया है, लाइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं तो आपको एक और अच्छा लगेगा कि ये वाला हमने बनाया। देखिए बच्चों आपको ये लिखना था आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें आप इस तरह के अगर डायग्राम बना देते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन है, गेटवे है, प्रोसेसर है, सेंसर्स हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने वीडियोस में बताया, ये आपको कहीं ना कहीं सेट करने में पूरा क्वेश्चंस मिल जाएगा, और ये लेवल्स हैं हमारे आईओटी के अलग अलग, इसी में देख रहे होंगे एक 3 में से कोई भी एक 5 नंबर का OSI मॉडल, तो देखिए गेस्ट पेपर में मैंने पूरा एक OSI एंड TCP/IP पर आप लोगों को पूरा एक गेस्ट पेपर दिया था कि आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और 5 नंबर का ये बड़े आराम से आपको इसमें मिल गया। अगला है IoT क्या होता है और इसके बेनिफिट बताइए, ये भी एक अच्छा और इजी क्वेश्चन है जिसमें आप बड़े आराम से समझा सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आम जिंदगी में होने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप नेटवर्क में ले आते हैं, जिससे कि कहीं से भी उसे ऑपरेट कर सकते हैं और वो बन जाते हैं आईओटी। इसके दुनिया भर के फायदे हैं। और अगर आप पहले ही पेजेस में आ जाएं, शुरुआत में ही जब गैस पेपर मैंने आपको शुरू किया था, तो देखिए यहीं पे डिफाइन आईओटी पहला ही क्वेश्चन है। ये आईओटी क्या है और मैंने आपको इसमें पूरा बड़ा बड़ा लिख दिया है। देखिए आईओटी का बेनिफिट ऑफ आईओटी, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में था। आप बड़े आराम से इस तरीके से पूरा आईओटी का परिचय क्या है और आईओटी का इस्तेमाल या लाभ क्या है, अगर आपने गेस्ट पेपर पढ़ा है तो आप बड़े आराम से इसको बना पाए होंगे। डिस्कस द प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाई आईओटी सिक्योरिटी। आईओटी सिक्योरिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करिए, उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये 8 नंबर का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन, एक्सप्लेन SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल इंटरफेसिंग विद द नोड MCU। अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर लिया हुआ है तो गेस्ट पेपर में 219 नंबर वाला पन्ना चेक करना, ये देखिए पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आईओटी का एक बड़ा क्वेश्चन होता है, ये होता है आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसे SC05 कहते हैं। आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था और साथ ही साथ आप लोगों को कैसे ये स्टेप्स करते हैं, ये इसकी छोटी सी प्रोग्रामिंग भी थी, अगर आप इसे दिखाते, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था ये और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये देगा। वैसे तो हमने गेस्ट पेपर में जा रखा था, ये डाल रखा था, लेकिन फिर भी तो इसके बावजूद नीलेट ने इस बार आपको दे दिया है। और ये 8 नंबर का एक बड़ा है, लेकिन हाँ इसमें थियोरिटिकली है, अगर आप प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो ये है, ये तो बड़ा ही सिंपल है, लॉजिकली है कि डिस्क्राइब करिए कि दैट एन इंडिविजुअल शुड हैव ए बिल्ड फॉर द डेवलप। आप अपने पर्सनैलिटी का या व्यक्तित्व का कैसे निखार कर पाएंगे, आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अगली चीज भी है अर्डिनो, ये पूरा मतलब मैंने देखा है कि इस पूरे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव का अगर पार्ट ले लिया जाए तो माइक्रो आईओटी स्टॉक प्रोटोकॉल ये भी अवेलेबल है, माइक्रो कंट्रोलर भी है, टाइम मैनेजमेंट हमारे गेस्ट पेपर में नहीं था, OSI मॉडल भी था, और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर बढ़े और ये सारे क्वेश्चन थे। तो अगर देखा जाए तो 8 या 7 नंबर को छोड़कर पूरा गेस्ट पेपर अवेलेबल है आप लोगों के आईओटी का। तो पहले से मैं बता रहा था कि आईओटी के पेपर में आपको गेस्ट पेपर ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, और ये फैक्ट है। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास फिनिश, आज के आप लोगों के पेपर्स खत्म होते हैं। अब यूपी के पेपर्स आने वाले हैं, उनके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है, और जैसे ही थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा, आप लोगों के गेस्ट पेपर में बदलाव होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा। आपके बदलाव में थ्योरी पार्ट कम बदलेगा और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ज्यादा चेंजेस आएंगे। आप लोग बने रहिए, ट्यून रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए। गुड बाय, टेक केयर।